पुष्कर का ये यज्ञ घाट है। इस यज्ञ घाट पर एक जो युवक है, जो जिसको नसड़ी भी बताया जाता है, उस युवक ने माताजी की मूर्ति खंडित कर दी है, जिसके तीनों चारों हाथ जो है माताजी के तोड़ दिए हैं। उसके अलावा एक गणेश जी की मूर्ति है, इसको भी उन्होंने जो है तोड़ दिया है। लगभग जो ये देखने में आ रहा है कि इस मूर्ति को भी पूर्ण रूप से, गणेश जी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और यहाँ भारी भीड़ भी एकत्रित हुई हुई है। दिनेश, ये पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है सिद्धेश्वर बालाजी। यहीं पर ही जो है तीन मूर्तियाँ रखी हुई थी और उस नशेड़ी और पागल युवक ने हनुमान जी की मूर्ति को भी खंडित करने का प्रयास किया, ऐसा विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का कहना है। बार बार हमेशा कभी कुछ करता है। अभी परसों को डीपी पे चढ़ गया था रात, और आज आके उसने उत्पात करा, पत्थर से सारी मूर्तियां तोड़ी, हनुमान जी के मंदिर में चला गया, जूते पहन के और पत्थर लेके चला गया। हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया उसने था। वहां तो क्या, कुछ लोग जो थे रोज पूजा अर्चना करने आते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको धक्के देके बाहर निकाला। सब लोग आ रहे थे तो वो बके, क्या नाम उसका, उसका पीनू है और उमाकांत है। उमाकांत दोस्त नशेड़ी है, वो है ही ऐसा, हरकतें ऐसी करता है, कभी सही हो जाता है, कभी पागल हो जाता है। बताओ, देखो गणेश जी ने लाया, देखो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष वेसु पारासर ने ब्रह्म पुष्कर न्यूज को बताया। आज हमारे पुष्कर का एक युवक है उमाकांत उर्फ पीनू भाई पारासर, वह अधिकतर नशे पते में रहता है, उत्पात करता रहता है। आज वह यज्ञ घाट पर आया और यहाँ गणेश जी और माता जी की प्रतिमा उसने पत्थर से तोड़ी, एम जो यहाँ सिद्धेश्वर बालाजी जो पुष्कर के सबसे ज्यादा प्रख्यात है, जो सब लोग आते हैं, तो उनके मंदिर में जूते पहनकर और उसकी भी मूर्ति वो बालाजी की खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ जो लोग आए थे दर्शन करने, उन लोगों ने उसको रोका और उसको धक्के दे के बाहर निकाला। तब तक हम लोग सारे इकट्ठे हो गए, तब तक वो भाग चुका था। अभी किन कौन कौन सी मूर्तियों को उसने खंडित किया? अभी उसने एक तो माता जी की मूर्ति है और दो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, उनको खंडित पूर्ण रूप से खंडित कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और पुलिस से ये चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नशेड़ी हो चाहे वो पागल हो, तो उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि वह दोबारा कहीं भी ऐसी कार्रवाई ना कर सके। नाम बताइए आप। जय कुमार पारासर, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष पुष्कर।